आखिर क्यों बनाया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को नीचे से सख्त और उभरे हुए बम्प के आकार में। दोस्तों आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स तो पीते ही होंगे, खुशी के मौकों पर, मौज के लिए, गर्मियों में प्यास बुझाने के लिए या फिर टेस्ट के लिए। कई बार आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स की ठंडी बोतल को जोरों से हिलाकर ढक्कन खोलकर उसके फुहारे भी उड़ाए होंगे, है ना रोमांच, बोतल से फुहारे उड़ाना। जबकि पानी और जूस फुहारे के जैसे गति से बोतल से बाहर नहीं निकलते, तो कोल्ड ड्रिंक्स और सोडे की बोतलों में ऐसा क्या होता है जिससे यह कारनामा होता है। इन बोतलों में जो कोल्ड ड्रिंक्स भरी जाती है उनको बनाने में केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही इनका कार्बोनेशन भी किया जाता है जिससे कोल्ड ड्रिंक्स में गैस बनती है। जब कोल्ड ड्रिंक्स भरी बोतल को हिलाकर खोला जाता है तो उसमें बनने वाली गैस की वजह से उसमें दबाव बढ़ता है, बबल्स बनते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स प्रेशर के साथ बाहर निकलती है। जबकि पानी और जूस में गैस नहीं होता, इसकी वजह से इनमें प्रेशर नहीं बनता है और यह अपने आप बोतल से बाहर नहीं निकलती। शादी और बम्प बिना की फ्लैट बंद बोतल में कोल्ड ड्रिंक्स हिलने पर या जोरों से हिलाने पर बोतल में बनने वाली गैस के प्रेशर से बोतल फट जाने की संभावना रहती है। जिन बोतलों में कोल्ड ड्रिंक्स भरी जाती है उन बोतलों की सतह को सख्त बनाकर बम्प की तरह उभारा जाता है। बोतल में कोल्ड ड्रिंक्स भरते समय पूरा ना भरकर थोड़ा खाली रखा जाता है, जिससे बोतल में बनने वाली गैस इन बम्प्स और खाली जगह में ही घूमकर शांत हो जाती है। फ्रिज में रखकर ठंडी करने पर बोतल में रही हुई कोल्ड ड्रिंक्स के वॉल्यूम में बदलाव होता रहता है। बोतल के नीचे बम्प बने बम्प के कारण कोल्ड ड्रिंक्स इनमें एडजस्ट होती रहती है। बोतल में बने बम्प की वजह से बोतल गैस के प्रेशर को आसानी से कंट्रोल कर पाती है तथा दबाव को सहने की क्षमता बढ़ जाती है और कोल्ड ड्रिंक्स सुरक्षित रहती है।